ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के अपने डिस्कशन को वर्स 2.69 से आगे बढ़ाएंगे। तो ये वर्स 69 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है, क्योंकि इसमें एक मटीरियलिस्ट कर्मी और एक भक्त के बीच में जो अंतर होता है उसे बहुत ही क्लियरली दर्शाया गया है। देखिए, ये वर्स को आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में भी। तो ये वर्स, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो इसका ट्रांसलेशन है कि व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल्ड एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। यानी जो भौतिक जगत के लोगों के लिए जो रात होती है वो एक साधक के लिए वो दिन होता है, और साधक के लिए जो दिन होता है वो भौतिक जगत के बाकी लोगों के लिए रात होती है। तो इसका बहुत ही गहरा मतलब है। यहाँ पर देखिए, दो तरह के इंटेलिजेंट लोगों को बताया गया है। दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक मटीरियली इंटेलिजेंट होते हैं और एक स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होते हैं। जो मटीरियली इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं किसी तरह भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए, मटेरियल ऑपुलेंसेस गेन करने के लिए, किसी प्रकार भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करके उनको इंजॉय करने का, इसके लिए पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। और इस एंडेवर में उन्हें कभी खुशी मिलती है और कभी बहुत दुख भी मिलता है। तो ये वो लोग हैं जो मटीरियली अपने पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं मटीरियल ऑपुलेंस गेन करने के लिए। और दूसरे तरह के इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिन्हें मटीरियल ऑपुलेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, उनका मेन इंटरेस्ट है किस प्रकार हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करें, और वो अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग इस चीज़ में करते हैं कि कैसे हम स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो जाएं, किस प्रकार हम इस भौतिक जगत से लिबरेट हो जाएं और भगवान के धाम चले जाएं। तो दोनों जगह हैं। अब एक इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और मटेरियल इंटेलिजेंस एकदम ही अलग होते हैं, क्योंकि हमने खुद बहुत बार देखा है कि कोई मटेरियली इंटेलिजेंट पर्सन है इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर मैथ्स साइंस फिजिक्स में अगर बहुत ही टॉप क्लास है, वो उसका ब्रेन बहुत शार्प है अगर मैथमेटिक्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे स्पिरिचुअलिटी भी समझ में आएगी। और ये हमने खुद कितने बार देखा है कि अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंस बहुत बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। उन्हें थियोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल कि हम शरीर नहीं आत्मा है, या फिर बेसिक प्रिंसिपल कि हम जो डिज़ाइन आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कैसे तरह किस प्रकार आप अपने भौतिक जगत को देख करके आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूर भगवान का कोई तो क्रिएटर है, कोई डिज़ाइनर है जो एग्जिस्ट करता है, जो दुनिया को चला रहा है, जो पूरा थियोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। तो अगर उन्हें कितना भी इसको किसी भी एंगल से समझाया जाए उनके ये दिमाग में घुस नहीं पाता, क्योंकि वो मटेरियली इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उनके अंदर अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो इसीलिए दो क्लास ऑफ इंटेलिजेंट मैन हैं जिनको यहाँ पे बता रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक के लिए जो रात होता है दूसरे के लिए दिन होता है, और दूसरे के लिए जो रात होता है वो पहले के लिए दिन होता है। तो इसका देखिए लिटरल और फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस है इस वर्ड्स का। कि लिटरल एक्चुअली आप फिलोसॉफिकली सिग्निफिकेंस तो हम देख रहे हैं कि दोनों की एक्टिविटीज़ अकेले होती हैं, दो अलग होती हैं। जैसे कि जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के रास्ते पे होते हैं वो मटेरियल एडवांसमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और जो मटेरियल एडवांसमेंट के रास्ते में पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के पाथ पर डेडिकेटेड नहीं होते। तो इसलिए ये फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसका लिटरल सिग्निफिकेंस भी है। कि आप देखिए, जनरली जो लोग इस भौतिक जगत को किसी तरह इंजॉय करना चाहते हैं उनको आप देखेंगे वो रात भर जगते हैं, पार्टी करते हैं, और फिर दिन में देर तक सोते हैं। यहाँ पर न्यू टाउन शाहपुर जी में तो ऐसा हम हमेशा ही देखते हैं
जो हमारा उठने का समय है, सुबह 4:30 बजे हमारी आरती होती है, तो 3:30-4 बजे तक सारे भक्त उठते हैं। उस वक्त जो दूसरे यंगस्टर्स हैं वो अपना पार्टी करके या फिर कुछ और इधर उधर क्लब व्लब से वो वापस आ करके उस समय वो सोने जाते रहते हैं। तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि एक भक्त के लिए जो रात होता है वो एक मटीरियलिस्ट के लिए, एक सेंस ग्रेटिफायर के लिए वो दिन होता है और वाइस वर्सा। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत क्लियरली हमें दिखता भी है, तो इसको वर्स का लिटरल सिग्निफिकेंस भी है। तो देखिए, सेज फील्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इन ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर, वेयर एज अ मैन इन मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज बीइंग असलीप टू सेल्फ रियलाइजेशन ड्रीम्स ऑफ वेराइटीज ऑफ सेंस प्लेजर्स फीलिंग समटाइम्स हैप्पी एंड समटाइम्स डिस्ट्रेस्ड इन हिज स्लीपिंग कंडीशन। तो जो व्यक्ति है जो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर की खोज कर रहा है वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल कल्चर में एडवांस्ड होता है और उसे एक ट्रांसेंडेंटल खुशी मिलती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में देर इज नो लॉस एंड डिमिनेशन। आप कुछ भी करते हैं, थोड़ा भी तरक्की करते हैं, वो आपके पास परमानेंट आपका बैंक बैलेंस है, कभी लॉस नहीं होता। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे उसका ट्रांसेंडेंटल प्लेजर बढ़ते जाता है। लेकिन जो मटीरियलिस्ट है वो मटीरियल चीज़ों में ऐसा नहीं होता जो कि स्पिरिचुअल में है, कि वो मटीरियल चीज़ें आपका परमानेंट बैंक बैलेंस नहीं होती, कि आपने जो कर लिया वो हमेशा आपके पास नहीं रहता है। स्पिरिचुअलिटी में आपने जितना किया वो हमेशा आपके साथ रहेगा, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी। आपने थोड़ा सा भी किया तो आपका परमानेंट बैंक बैलेंस है, लेकिन मटेरियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आपका ट्रांसेंडेंटल प्लेजर धीरे धीरे इंक्रीज होते ही रहता, लेकिन मटेरियल जो इंजॉयमेंट है उसमें, उसके लिए जो लोग एम कर रहे हैं तो उन्हें कभी खुशी मिलती है और कभी दुख मिलता है। वो हमेशा हैप्पीनेस के रास्ते पर, मटेरियल प्लेजर के रास्ते पर ही नहीं रहते, हमेशा उनको मटेरियल प्लेजर ही नहीं मिलता, उनके लिए दोनों चीज़ें होते रहती हैं। तो ये चीज यहाँ बताया गया है। तो देखिए, स्थित प्रज्ञा इज अनअफेक्टेड बाई अ मूड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट एज अ स्लीपिंग मैन इज अनअफेक्टेड बाई हिज सराउंडिंग्स। ये जो स्थित प्रज्ञा है, जो व्यक्ति जिसने अपने इंटेलिजेंस को, सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है और उसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के रास्ते पे लगा दिया है, भगवान की सेवा पे लगा दिया है, तो वो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोग करने के लिए वो उसी प्रकार वैसा है जैसे कि एक सोता हुआ व्यक्ति आसपास कुछ नहीं देखता। उसके आसपास बहुत सारी भोग की वस्तुएं अगर रखी भी रहें तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सोता हुआ व्यक्ति है। उसके आसपास आप इंजॉयमेंट की कोई भी चीज़ें रख दीजिए, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सो रहा है। उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनके आसपास अगर बहुत सारी इंजॉयमेंट की चीज़ें अवेलेबल भी हैं तो भी उसे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एम एकदम डिसाइडेड है, वो फिक्स्ड है और वो पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। सो देयर फोर ही इज न्यूट्रल टू हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस दैट कम फ्रॉम हिज ओन कर्म। उसे पता है कि अरे मेरे खुद के कर्म के कारण यह हैप्पीनेस और मिजरी आएगी, इसीलिए वो उसे न्यूट्रल है कि ठीक है वो आएगी जाएगी, जैसे कि दुख आता है वैसे ही सुख आएगा, सुख आता है वैसे ही दुख आएगा, वो आते जाता रहेगा, लेकिन वो अपने ड्यूटी में फिक्स्ड रहता है। एंड ही इज अनडिस्टर्ब बाई व्यूइंग द ऑब्जेक्ट्स एज सोर्स ऑफ सेंस प्लेजर, यानी वो ऑब्जेक्ट्स को कभी भी सेंस प्लेजर के सोर्स के रूप में नहीं देखता। वो ऑब्जेक्ट्स को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकता है, उस तरीके से, उस व्यू से देख सकता है कि ऑब्जेक्ट्स भगवान की सेवा में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अपने सेंस प्लेजर के लिए वो उन्हें कभी नहीं देखता। तो ये वर्स 2.69 था। वर्स 2.70 पे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द इनसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स दैट एंटर लाइक रिवर्स इनटू द ओशन व्हिच इज एवर बीइंग फिल्ड बट इज ऑलवेज स्टिल कैन अलोन अचीव पीस, नॉट द मैन हु स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई सच डिजायर्स। तो आपने देखा होगा कि अगर नदी में ज्यादा पानी भर जाए तो उसमें बाढ़ आ जाती है, समुद्र में ज्यादा पानी बढ़े तो कभी बाढ़ नहीं आती, स्पेशली रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में बहुत सारी नदियों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन बारिश के मौसम में भी अगर खूब सारी नदियाँ जो कि पानी समुद्र में डालती हैं वो अपने पानी को बढ़ा भी दें तो भी समुद्र का लेवल कभी नहीं बढ़ता, वो अपनी सीमा नहीं क्रॉस करता, कभी नहीं क्रॉस करता। उन्हें कभी नहीं देखा होगा इस तरीके से कि बारिश के मौसम में खूब बारिश हुई
और उसके कारण समुद्र में बाढ़ आ जाए। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बताया गया है कि एक स्थित प्रज्ञा उस प्रकार का व्यक्ति होता है कि उसके जब सेंस डिजायर्स का, वो सेंस डिजायर्स से एकदम अफेक्ट ही नहीं होता, इंसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स, वो दैट अगर एंटर भी करें उसके माइंड में तो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, उस वो अपने चीज में फिक्स रहता है, वो ग्रेविटी उसकी बनी रहती है। तो देखिए, एज लॉन्ग एज वन हैज मटेरियल बॉडी द डिमांड्स ऑफ द बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विल कंटिन्यू। द डिवोटी हाउएवर इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय सच डिजायर्स बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस द सैटिस्फैक्शन ही फील्स इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है तब तक हमारे बॉडी कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन तो डिमांड करेगा ही। आपके पास शरीर है तो इसे मेंटेन करने के लिए आपको न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स आपको खाना ही पड़ेगा, आपको सोना ही पड़ेगा, यू नीड प्रॉपर क्लोथ्स, प्रॉपर शेल्टर, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत हैं। तो इस सेंस ग्रेटिफिकेशन के कम से कम बेसिक डिमांड्स तो मेटल बॉडी हमेशा करेगा ही, लेकिन डिवोटी उन डिमांड से डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि डिवोटी के पास वैसी सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिज़ायर्स ही एकदम आनी बंद हो जाती हैं। डिज़ायर्स आ सकती हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की, लेकिन बात यह है कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि उसे एक हायर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो हमने डिस्कस किया था परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि उसे एक हायर टेस्ट मिल रहा है। वो भगवान की सेवा करने से उसे सेंस ग्रेटिफिकेशन से जो इन्जॉयमेंट मिलता है उससे ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिल रहा है। तो उसे पता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी कुछ इन्जॉयमेंट है, लेकिन उसे ये भी दिख रहा है कि अरे इसमें तो ज़्यादा इन्जॉयमेंट है, इसलिए वो उससे डिस्टर्ब कभी नहीं होता, ऑल्दो वो डिजायर्स प्रेजेंट हैं। तो कृष्णा कॉन्शियस मैन इज नॉट इन नीड ऑफ एनीथिंग बिकॉज द लॉर्ड फुलफिल्स ऑल हिज मटेरियल नेसेसिटीज। तो देखिए, इतना जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस, उसे भगवान पे पूरा भरोसा रहता है कि भगवान, आई एम नॉट द सप्लायर, कृष्णा इज द सप्लायर, अवश्य रक्षिवे कृष्णा ऐ विश्वास पालन, कि कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा हमेशा जरूर करेंगे, ये भरोसा उसे होना चाहिए। तो वैसे व्यक्ति को कोई भगवान सप्लाई करते हैं, वैसे व्यक्ति अभी अवधूत जो हो जाते हैं, बहुत ही हाई लेवल है अवधूत, यानी वो अजगर वृत्ति करते हैं, अजगर वृत्ति यानी वो अजगर के जैसे रहते हैं, जो वे बहुत ही हाई लेवल है, हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन हमें कम से कम थ्योरेटिकली जानना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल है। तो अजगर वृत्ति के लोग क्या करते हैं कि वो एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और वहीं पर बैठ करके अपनी साधना करते रहते हैं, या तो लेटे रहते हैं या वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो कहीं आते जाते नहीं हैं। और अगर कोई आ करके उन्हें कुछ भोजन या कुछ दे करके चला गया तो खा लेते हैं, नहीं तो खुद से कभी जुगाड़ करने नहीं जाते, वो बस अपनी साधना में मग्न रहते हैं। और वैसे बहुत सारे अजगर वृत्ति साधुओं को आप देखेंगे कि वो बहुत हट्टे कट्टे मोटे होते हैं। तो हम सोचते हैं कि अरे कितने लोग इतना जॉब करते हैं, इतना काम करते हैं, बोलते हैं क्योंकि पापी पेट का सवाल है, बोलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हमारे ऊपर भगवान के ऊपर हमें भरोसा हो कि नहीं, हम डूअर नहीं हैं, हम करता नहीं है, भगवान करता है, और हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमें सब कुछ सप्लाई करेंगे, अगर ये सचमुच में हमें इस बात का भरोसा है तो भगवान एक्चुअली में सप्लाई करते हैं। लेकिन जब तक हमें इस बात का पूरा भरोसा नहीं है, हम अपने भौतिक कार्य को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल होता है। वैसे व्यक्ति को जिसको कि सचमुच में 100% कॉन्फिडेंस आ गया कि भगवान ही सप्लायर है, भगवान ही करता है, तो वैसा व्यक्ति ये अजगर वृत्ति कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, भागवतम में बहुत सारे अवधूतों का एग्जाम्पल आता है, ऋषभ देव एक अवधूत थे, फिर प्रहलाद महाराज भी एक अवधूत ब्राह्मण से मिले थे, तो इसी तरह से बहुत सारे भागवतम में अवधूत भी आते हैं, ये बहुत ही हाई स्टेज है। लेकिन यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है श्रीवास ठाकुर का, वो एक गृहस्थ थे, तो गृहस्थ भी इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत हाई लेवल है, लेकिन एटलीस्ट थ्योरिटिकली हमें इस प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकते हैं, नॉट द वे श्रीवास ठाकुर वॉज डूइंग, बट प्रिंसिपल में कि कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति को कभी भी किसी चीज़ की नेसेसिटी, किसी भी चीज़ का अभाव नहीं पड़ेगा अगर वो अपने भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहा है। तो श्रीवास ठाकुर के घर पर एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि वो अपने पूरे परिवार के साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन वहाँ पे कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, श्रीवास मैं देखता हूँ कि तुम अपने
घर में पूरे दिन अपने परिवार के साथ तुम हरिनाम संकीर्तन करते रहते हो, भागवत कथा करते रहते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी परिवार है और मैं देखता नहीं कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तुम अपने परिवार को मेंटेन कैसे करते हो। तो फिर श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं, वो ऐसे 3 बार ताली बजाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास, मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा, तुम इसके जवाब में ताली क्यों बजा रहे हो। तो श्रीवास ठाकुर बताते हैं कि प्रभु यही मेरा जवाब है, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं और अगर मुझे कोई भी चीज की जरूरत होती है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, हमें इन चीज की जरूरत है। और मैं 3 बार ताली बजाता हूं और 3 बार ताली बजाने से पहले अगर भगवान ने मुझे सप्लाई नहीं किया जिस चीज की मुझे जरूरत है तो मैं ये कसम खा लेता हूं कि मैं गंगा में जाकर के कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। अगर वो भगवान से प्रार्थना कर लेते, मैं 3 बार सिर्फ ताली बजाऊंगा, 3 बार ताली बजाने से पहले अगर मुझे जो चाहिए मेरे पास नहीं आ गया मेरे दरवाजे पर, तो फिर मैं जा करके गंगा में कूद के आत्महत्या कर लूंगा और गोविंद जी हमेशा मुझे सप्लाई कर देते हैं। तो ये सुन करके चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और श्रीवास को गले से लगा के बोलते हैं कि श्रीवास, अगर किसी कोई ऐसा दिन आ गया जब लक्ष्मी जी को एक पात्र लेकर के भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ जाए, तब भी तुम्हारे घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला जब लक्ष्मी जी को भिक्षा मांगने जाना पड़े, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं, ये श्रीवास ठाकुर को बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें इतना भरोसा है कि गोविंद जी की रक्षा पर, भगवान की रक्षा पर तुम्हें इतना भरोसा है, इसीलिए तुम्हारे घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम इसे लेजीनेस का एक एक्सक्यूज नहीं मान सकते कि क्योंकि श्रीवास ठाकुर का जिसका इस लेवल की श्रद्धा है भगवान के ऊपर वो ऐसे कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम इस प्रिंसिपल को समझ सकते हैं कि अगर हम भगवान के भक्त बन जाएं तो ये प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए कि भगवान सब कुछ का सप्लाई करते हैं और हमें अपना ड्यूटी करते रहना चाहिए, लेकिन हमें ओवरली वरिड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, इतना वरिड नहीं होना चाहिए कि हमारी भक्ति में ही बाधा आ जाए। तो ये एक प्रिंसिपल है जो अवधूत ब्राह्मण के रूप में और श्रीवास ठाकुर के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। That is a proof of a Krishna conscious man, one who has lost all inclinations for material sense gratification, although the desires are present. तो यहाँ पे ये देखिए, this is the proof. आप Krishna conscious हैं कि नहीं आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि आपके अंदर desires हैं कि नहीं, material desires हैं कि नहीं, इससे नहीं, desires तो हैं। जब तक भौतिक शरीर है, material body demand करेगा sense gratification के लिए, लेकिन अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हैं तो आप उन डिजायर्स को फुलफिल करने का सारा आपका इंक्लिनेशन खत्म हो गया है। दैट इज द पॉइंट जो हमें समझना चाहिए कि डिजायर्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिजायर्स को फुलफिल करने का हमारे मन में कोई इच्छा नहीं आ रही है। हमारे मन में इच्छा आ रही है कि ठीक है डिजायर्स हैं, बट वी जस्ट वॉन्ट टू टॉलरेट, एंड हम अपने पूरा समय भगवान की भक्ति में और आध्यात्मिक तरक्की में हम लगाने के लिए पूरी तरह से आतुर रहते हैं। Others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इच्छाएं, अगर material success की, भौतिक जगत में success की इच्छाएं हैं, वो तो है ही, किसी को ये transcend करके अगर मुक्ति पाने की भी इच्छा हो जाए, मुक्ति यानी भगवान के धाम नहीं, मुक्ति का यहाँ पे मतलब है कि ब्रह्मन liberation कह सकते हैं, इस जगत से पार हो जाने का, ब्राह्मण लेवल के रियलाइजेशन की बात की जा रही है। भगवान के धाम जाने की इच्छा वो इच्छा एक अच्छी इच्छा मानी गई है, वो इच्छा हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे भी हायर लेवल की इच्छाएं होती हैं, शुद्ध भक्त ऐसी भी इच्छा करते हैं कि हम नरक भी जाना हो तो जाएं, भगवान के धाम नहीं जाना हो तो नहीं जाएं, हमें सेवा चाहिए, या फिर वो बोलते हैं कि जन्मनी जन्मनी ईश्वर है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भौतिक जगत में बार बार जन्म हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिले। तो वो तो हाईएस्ट लेवल की इच्छा है, लेकिन फिर भी अगर किसी की इच्छा है भगवान के धाम जाने की तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन किसी की सिर्फ यहाँ तक की इच्छा है कि किसी तरह जड़ जगत से लिबरेट हो जाए, यानी ब्रह्मन लिबरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस लेवल की भी अगर किसी की इच्छा है तो उसे भी लॉन्ग रन में पीस नहीं मिलेगा। मेटेरियल सक्सेस वाले अगर तो पूरे अशांति रहते हैं, और जो ब्रह्मन लिबरेटेड हो जाते हैं वो कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, लेकिन फिर उन्हें लॉन्ग रन में ज़्यादा उन्हें भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मन से फिर उन्हें वापस कुछ समय के बाद भौतिक जगत में आना पड़ता। क्यों आना पड़ता? क्योंकि वहाँ पे वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि मटेरियल मिजरी नहीं है वहाँ पे, लेकिन कोई मटेरियल हैप्पीनेस भी नहीं है, वो जीरो लेवल है। तो निगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है, और हमारा स्वरूप है आनंदमय अभ्यासात, हम आत्मा सच्चिद आनंद विग्रह है। तो इसलिए हम आनंद ढूंढ रहे हैं, हम पॉजिटिव इंगेजमेंट ढूंढ रहे हैं। सर, जीरो लेवल पे रहते रहते हम वहाँ पे बोर हो जाते हैं और फिर हमें वापस आना ही पड़ता है। इसलिए हमें बताया जा रहा है कि मटेरियल सक्सेस की तो बात छोड़िए, जो लिबरेशन भी चाहते हैं उन्हें भी वास्तव में शांति नहीं मिल पाती। शांति एक ही तरह से हमें मिल सकती है, वास्तविक शांति, जब हम भगवान के भक्त बन जाएं और पूरी तरह से अपना मन उनकी सेवा में लगा दें। तो देखिए, ये चैतन्य चरितामृत 19.149 का ये एक वर्स है जिसे बहुत बार बहुत सारे भक्त कोट करते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। यानी कोई भुक्ति है, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये तीनों तरह के कामियों को बताया गया है, वो सकली अशांत, यानी कोई भोग करना चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, या कोई सिद्धि चाहता है, जो अष्ट सिद्धियां होती हैं, ये सब तरह के अगर कामी हैं तो वो सकली अशांत हैं, वो अशांत रहेंगे। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम होता है, निष्काम मतलब कि उसकी कोई अपने लिए कामना नहीं होती, उसकी कामना होती है एकदम। निष्काम होने का मतलब नहीं कि वो एकदम पत्थर हो जाता है, निष्काम का मतलब खुद के एंजॉयमेंट की कोई कामना नहीं है, उसकी कामना है सिर्फ भगवान के सेवा करने की, तो उसको वास्तविक निष्काम कहा जाता है। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसलिए वो बहुत शांत रहता है। बिकॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज डिजायरलेस, इज पीसफुल एंड फ्रूटिव वर्कर्स दे डिजायर मटेरियल एंजॉयमेंट, ज्ञानीज दे डिजायर लिबरेशन, एंड योगीज हु डिजायर मटेरियल ऑपुलेंस, देयरफॉर दे आर ऑल लस्टी एंड कैन नॉट बी पीसफुल। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल वर्स फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, नाउ कृष्ण एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ सच अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। तो वैसे व्यक्ति का डिटर्मिनेशन क्या होता है वो अभी अगले वर्स में अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। 2.71, अ पर्सन हु हैज गिवन अप ऑल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हु लिव्स फ्री फ्रॉम डिजायर्स, हु हैज गिवन अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड इज डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो, ही अलोन कैन अटेन रियल पीस। तो देखिए, टू बिकम डिजायरलेस, जैसे हमने डिस्कस किया, डज नॉट मीन दैट इट मीन्स नॉट टू डिजायर एनीथिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इन अदर वर्ड्स, रियल डिजायरनेस, डिजायरलेसनेस इज टू डिजायर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, नॉट एन आर्टिफिशियल अटेम्प्ट टू अबॉलिश डिजायर्स। यानी ये नोट करने वाली बात है कि डिजायरलेसनेस का मतलब नहीं कि आपके अंदर सारी इच्छाएं खत्म हो गई, ये नहीं कहा जा रहा है। डिजायरलेसनेस का मतलब है ओनली टू डिजायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, या तो आर्टिफिशियली, क्योंकि हम लिविंग एंटिटीज हैं, हम पत्थर नहीं हो सकते, हम अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमारी इच्छाएं खुद के इंद्रियों की तृप्ति की, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है भगवान के इंद्रियों की तृप्ति में। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रियल डिजायरलेसनेस, और वैसा व्यक्ति वास्तव में पीस पा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ भगवद गीता में ही आता है कि अर्जुन वो पहले इस लेवल पर थे कि वो ये युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे, तो वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए दूसरों को नहीं मारना चाहते थे। तो दिस इज वन लेवल ऑफ डिजायरलेसनेस, कि नहीं, मैं अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए दूसरों को क्यों मारूं। तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन when he became fully Krishna conscious, he fought because Krishna wanted him to fight. तो अपने लिए उन्हें राज्य नहीं चाहिए था, अपने लिए उन्हें विजय नहीं चाहिए थी, लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि अर्जुन को पता चला कि कृष्ण की ये इच्छा है, कि भगवान ये चाहते हैं कि वो ये युद्ध करें और इसे जीतें और राज्य करें, तो फिर
अर्जुन अपनी पूरी शक्ति से लड़े। तो दिस इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल जो कि हमें फॉलो करना चाहिए कि पूरी तरह से हमें अपनी डिजायर्स छोड़ करके कृष्ण को डिजायर, कृष्ण की जो डिजायर है उन्हें अपना लेना चाहिए और उसके लिए कार्य करना चाहिए। सो लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी डिजायरलेस और सेंसलेस, बट ही डज हैव टू चेंज द क्वालिटी ऑफ डिजायर। दैट इज द पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डिजायरलेस या सेंसलेस नहीं हो सकते, लेकिन क्वालिटी को चेंज करना, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर्स को चेंज करके हमें कृष्ण के सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर को अपनाना है। एंड दिस इज द मेथड ऑफ अटेनिंग रियल पीस, वैसे व्यक्ति को शांति मिल पाएगी। सो दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज बेस्ड ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, नेमली नोइंग परफेक्टली वेल दैट लिविंग एंटिटी इज एन इटर्नल सर्वाइटर ऑफ कृष्ण। दिस अंडरस्टैंडिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रियल पीस। तो देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं कि अपनी भौतिक इच्छाओं के डिजायर को छोड़ करके हमें भगवान के इच्छाओं को अपनाने का ये जो बात है जिससे कि हमें शांति मिलती है, तो ये वास्तव में कैसे आता है, इसका बेसिस क्या है? ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये रियलाइजेशन कि हम कौन हैं, हम भगवान के दास हैं, हम उनके बराबर नहीं हैं, हम उनसे बड़े नहीं हैं और हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उनकी सेवा करें। कृष्ण जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं। तो ये रियलाइजेशन जिसको आ जाता है, भौतिक जगत में सब सोच रहे हैं हम खुद ही इंजॉयर हैं, हम खुद ही मालिक हैं सब चीज़ के, लेकिन जिसे ये समझ में आ जाए कि नहीं, हम मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के दास हैं और उनकी खुशी के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य है, वैसे व्यक्ति को बहुत ही आसानी से शांति मिल जाएगी। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, अब ये अगला वर्स इस चैप्टर का आखिरी वर्स है। तो दिस वर्स एंड्स कृष्णास आंसर टू द क्वेश्चन हाउ डज ही वॉक, ये 71 पे। नाउ नेक्स्ट वर्स में भगवान आप चैप्टर 2 का समरी दे करके फिर इसे कंक्लूड करते हैं। तो दिस इज वर्स 2.72 विच इज द फाइनल वर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज नॉट बिविल्डर्ड इफ वन इज दस सिचुएटेड इवन एट द आवर ऑफ डेथ वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये इस प्रकार से स्पिरिचुअल या गॉडली पीपल इस तरह से अपना जीवन जीते हैं और मृत्यु के समय भी अगर इसी चेतना में रहें तो वो श्योरली भगवान के धाम में घुस जाते हैं। तो देखिए, वन कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस और डिवाइन लाइफ एट वंस विद इन अ सेकेंड, और वन मे नॉट अटेन सच अ लाइफ इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ्स। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक सेकेंड में अटेन कर सकते हैं भगवान के धाम को और बहुत जन्मों के बाद भी नहीं अटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। व्हाट फैक्ट? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हम दास हैं। हमारी इच्छा है कि हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं। एक बार अगर हम ये मानने के लिए रेडी हो जाएं कि हम इंजॉयर नहीं है, कृष्ण इंजॉयर है, हम सिर्फ उनके सर्वेंट हैं, ये हम मानने के लिए तैयार हो जाएं कि हमारा ड्यूटी है खुद को इंजॉय नहीं कराना, अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करना, बल्कि भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करना, तो इट जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। ये बस इस अंडरस्टैंडिंग को अपनाना, उसे एक्सेप्ट करने की बस बात है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है खटवांग महाराज। तो खटवांग महाराज एक बहुत अच्छे योद्धा थे, इसीलिए जब असुरों ने देवताओं पर हमला किया तो देवताओं ने खटवांग महाराज को इनवाइट किया कि आप आइए हमारे तरफ से युद्ध करिए। तो खटवांग महाराज गए स्वर्गलोक देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए, लेकिन युद्ध के बाद जब देवताओं की विजय हो गई तो देवताओं ने बोला कि आपने हमारे लिए इतना युद्ध किया है तो आप हमसे कोई वर मांगिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो खटवांग महाराज ने सोच करके पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन के कितने क्षण बाकी हैं। तो
देवताओं ने कैलकुलेशन करके बताया कि आपके जीवन का सिर्फ 2 मुहूर्त ही बाकी हैं, ज्यादा समय बाकी नहीं है, सिर्फ 2 मुहूर्त, तो कुछ क्षण ही और बाकी हैं। तो क्योंकि आप हम जानते हैं कि थोड़ा सा ये टाइम का रिलेटिविटी है, जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है उसी तरह का कुछ यहाँ पर भी है कि हमारा 6 महीना देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है। इसलिए खटवांग महाराज जब देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए स्वर्ग लोग गए थे तो उनकी उम्र बहुत तेजी से बीत गई, और यहाँ पर वह बता रहे हैं कि अब आपका बहुत कम ही समय बाकी है। तो खटवांग महाराज ने फिर ये वर मांगा कि मुझे तुरंत आप अयोध्या धाम के क्षेत्र में ट्रांसफर कर दीजिए, और देवताओं ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया। वो वहाँ पर आए, तुरंत समाधि में बैठे और तुरंत अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित किया और अपना शरीर छोड़ करके भगवान के धाम चले गए। तो देखिए सेकंड्स में होने वाली चीज़ भी है, अगर कोई ये बात को सिर्फ एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस बात को, क्योंकि कितने जन्मों से हम अपने आप को इंजॉयर, अपने आप को कंट्रोलर मानते हुए आए हैं, तो तुरंत ये कॉन्शियसनेस हमारी चेंज नहीं होती, इसीलिए हमें साधना करना पड़ता है इतना। लेकिन अगर किसी को समझ में आ जाए तो सेकंड्स की बात है। फॉर द ग्रॉस मटेरियलिस्ट इट इज सफिशियंट टू नो दैट वन हैज टू एंड दिस मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, बट फॉर पर्सन्स हु आर स्पिरिचुअली एडवांस देयर इज अनदर लाइफ आफ्टर दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो जो ग्रॉस मटेरियलिस्ट है उनके लिए बस इतना जानना बहुत काफी है कि बस इस भौतिक जगत को हमें छोड़ देना है किसी तरीके से ब्राह्मण लेवल पर। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं उन्हें पता है कि ब्राह्मण लेवल ही नहीं होता, उसके ऊपर एक दूसरा जीवन भी है। क्यों? ब्राह्मण लेवल तो जैसे हमने डिस्कस किया 0 लेवल है, लेकिन उसके ऊपर जो भगवान का धाम है देयर रियल लाइफ बिगिंस, वहाँ पर एक लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट की शुरुआत वहाँ पर होती है जो भगवान का धाम है उस जगह पर। तो इसलिए ग्रॉस मटेरियलिस्ट जो कि बहुत ही ग्रॉस मटेरियलिस्ट है उसको बस किसी तरह से इतना बताया जाता है मटेरियलिस्टिक लाइफ अपनी ख़त्म करो। लेकिन एक लेवल और हम जब आगे जाएंगे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसे मटेरियलिस्टिक लाइफ को ख़त्म नहीं करना है, और सिर्फ ब्रह्म निर्वाण हमें नहीं चाहिए, हमें भगवान के धाम, उनके राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, उसमें हमें वापस जाना है। देयरफॉर ब्रह्म स्थिति मीन्स नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटीरियल एक्टिविटीज, डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज एक्सेप्टेड इन भगवद गीता एज द लिबरेटेड स्टेज। जो रियल लिबरेटेड स्टेज है वो आप समझो सिर्फ ब्रह्मन प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए ब्रह्म स्थिति जिसका मतलब है कि नॉट ऑन मटेरियल एक्टिविटीज, उसका एक्चुअल मतलब है इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कोई मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं सिचुएटेड है, इसका मतलब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिचुएटेड है। इसलिए कोई भगवान की भक्ति में इंगेज्ड है तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो जगह है जहाँ पर सब लोग भगवान के खुशी के लिए उनका कार्य करते हैं, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब है। तो अगर हम भौतिक जगत में ही अगर भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब है तो हम ऑलरेडी लिबरेटेड स्टेज में हैं। जैसे कि ये भी शिल प्रपाद एक बार एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि वन हु इज 100% इंगेज्ड इन प्रीचिंग द मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलरेडी लिबरेटेड इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्दो ही इज विद इन दिस मटेरियल वर्ल्ड मटेरियल बॉडी। इसीलिए उसे जीवन मुक्त कहते हैं, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर है लेकिन फिर भी वो इस दुनिया का नहीं है, इस दुनिया में है लेकिन फिर भी इस दुनिया का नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से अपने जीवन को दे चुका है किस चीज़ के लिए, भगवान के जो संदेश है उसका प्रचार के लिए या भगवान की भक्ति करने में अपना पूरा जीवन दे चुका है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक्टिविटीज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो भौतिक जगत में रहे चाहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ही। इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम में वर्ष आता है कि नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम। कि जो नारायण परा हैं, कि जो नारायण के भक्त हैं, जो उनके लिए वो स्वर्ग में जाए नरक में जाए उनके लिए सब बराबर हैं, क्योंकि हर जगह वो क्या करेंगे, वो भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। तो उनके लिए कहीं पर भी जाए वो अपनी शक्ति से वहाँ पे भगवान का धाम क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पे भागवत होते हैं वो जगह खुद ही धाम बन जाती है। तो लोग जाते हैं धाम में दर्शन करने के लिए, लेकिन धाम में जाके साधुओं से बहुत बार मिलते नहीं, बस ऐसे ही घूम फिर करके साइट सीइंग करके आ जाते हैं। तो वास्तव में धाम वहाँ होता है जहाँ पे साधु होते हैं, जहाँ पे भगवान के भक्त होते हैं।
वहां पे वो अपने जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बोलते भी हैं विदुर जी को, यह श्रीमद भागवतम में आता है कि भगवद्विता भागवता तीर्थ भूय स्वयं विभु तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्व अंत स्थेन गदाभृता। तो बोलते तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, यानी तीर्थ को तीर्थ कौन बनाते हैं? आप बनाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपके हृदय में भगवान है। तीर्थ वो जहां पे भगवान का वास हो, लेकिन आपके तो आप वैष्णव हैं तो आपके हृदय में भगवान का वास है, इसलिए आप जहां पर जाएंगे वही तीर्थ बन जाता है। यहां तक कि तीर्थों को भी तीर्थ कौन बनाता है? आपके जैसे महाभागवत उन्हें तीर्थ बनाते हैं। तो इसीलिए हमें भी पता होना चाहिए कि ये हम भगवत धाम कब जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम पूरी तरह से हमारा जीवन डेडिकेटेड है सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी भगवान के धाम में हैं ही, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और ऑब्वियसली जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम वहाँ चले भी जाएंगे। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इस कॉन्शियसनेस में इफ वन इज द सिचुएटेड इवन एट द आवर ऑफ डेथ वन कैन एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। इसी कॉन्शियसनेस में अगर आप शरीर छोड़ते हैं तो श्योरली आप भगवान के धाम वापस भी चले जाएंगे। तो इन भगवद गीता द सब्जेक्ट मैटर्स आर कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। तो ये पूरे भगवद गीता में बेसिक जो मेन चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं वो है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। एंड इन द सेकेंड चैप्टर कर्म योग एंड ज्ञान योग हैव बीन क्लियरली डिस्कस्ड एंड द ग्लिम्स ऑफ भक्ति योगा हैज ऑल्सो बीन गिवन एज द कंटेंट्स ऑफ द कम्प्लीट टेक्स्ट। तो एक ये सेकेंड चैप्टर एक तरह समझ लीजिए कि पूरे भगवदगीता का थोड़ा सा कंसाइज समरी है, कि उसमें देखिए पूरे भगवदगीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बेसिकली बताया गया है। कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। और सेकेंड चैप्टर में कर्म योग और ज्ञान योग को तो बहुत अच्छे से क्लियरली डिस्कस किया गया है और भक्ति योग का थोड़ा सा ग्लिम्स भी दिया गया है। इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि इसको एक तरह से हम समरी जैसा समझ सकते हैं इस सेकेंड चैप्टर को। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर टू। अगर आपके कोई प्रश्न हैं अभी तक के डिस्कशन पे तो हमें नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।